बॉक्स अंदर कौन हाफ लाइन एंड खेला उन्हें बॉल को डुब किया गाते को टीम कौन फिलहाल बॉल पोजीशन पाकुर टीम रहता है ना मेनखान बॉल रहे चुई ना निधाव लंगा नका कौन आक्रमक बना रहा को सिर्फ पाकुर टीम में ना कौन हालांकि बना टीम रहा का प्लेसमेंट बन जाता है पाकुर टीम और गाते को टीम जो तो मीटे हाफ रिक्त को चला जाबा आकर है अरे उन्हें ते मंजिल ते नवा गुण बुझे था बना टीम थे इन जानकारी बनवा मेनखान नुकिन किन कुर्मटू का कम से कम इन्हें मरांग भीड़ कौन उड़ूक कते अकिना उका हुनर में ना अकिना उका कला में ना उनकी न दूसरों दो का सबसे बड़ी बात नुआ कर गया आम दो इन्हें मरांग भीड़ कौन उड़ूक कते अमा कला में दो दा हालांकि नहा जुग रहे अब उन्हें कुड़ी भी हाचे वकु जगाए दा दकाए को उत्तुए को जोग को रचाए को एन हो तिहिन नहा जुग रहे फुटबॉल रहे इंटरेस्ट को हताओ का फुटबॉल ले को लहान ठीक है ना नोना अभी मरांग कथा करना फिलहाल थ्रोइंग बॉल को न्याम लगा उन्हें उनका हैंड पॉल या पिन नवा मैच रेड मैच रेफरी गंगा मुर्मू अगुआ रे चला तुलू पहला फ्री किक पाकुर टीम को मिला है पेनाल्टी बॉक्स के अंदर एक मौका पनप रही है क्या गोल होगा यहाँ पे लेकिन आखिरी क्षण में डिफेंस लाइन के द्वारा बेहतरीन बचाव इसी के साथ एक शॉट लगाया गया लेकिन गेंद और टारगेट पे गोल लाइन के बाहर थोड़ी सी दबाव में गातीगुड़ टीम खेल रही है फर्स्ट हाफ की घड़ी में तो हमें सहयोग की आवश्यकता है बालिका वर्ग टीमों को एक मजबूत टीम बनाने के लिए फिलहाल बॉल पोजीशन को छीनने में कामयाब होता हुआ इस समय पाकुर टीम लेकिन गेंद जाएगी टच लाइन के लिए थ्रोइंग के रूप में बॉल पोजीशन रहा था पाकुर टीम का फिलहाल बॉल पोजीशन पाकुर टीम के खेमे में इस बार अच्छी पास निकाला है लेकिन गेंद जाएगी गातीगुड़ी टीम के लिए अच्छी कंट्रोल गेंद पर आगे बढ़ने की कोशिश एक छोटा पास निकाला पांच नंबर के लिए वहां पर इनका बेहतरीन शॉट टारगेट में लेकिन गोलकीपर के लिए यहां पर आसान सा कलेक्शन बनता हुआ दोनों टीम का स्कोर लाइन 0-0 रहा है अच्छी पास लेकिन मिस टाइम पास इसके साथ फॉरवर्ड लाइन के लिए गेंद को सप्लाई किया गया है 14 नंबर में खेल रहे हैं गातीगुड़ी टीम की ओर से मेरू मुर्मू लेकिन अंततः गेंद को उससे छीन लिया गया फिलहाल डिफेंस लाइन का बेहतरीन क्लियर तो एक बार फिर से इस सेकंड हाफ की घड़ी में आप सभी का स्वागत है बालिका वर्ग का ये पहला मुकाबला का सेकंड हाफ दोनों टीमों का छोर में परिवर्तन होने के बाद एक नई छोर एक नई दिशा के साथ पाकुर टीम इस वक्त उत्तरी छोर से खेलेंगे जबकि गातीगुड़ी टीम दक्षिणी छोर से जो कि गातीगुड़ी टीम विगत वर्ष के चैंपियन टीम रहे थे हालांकि उनका सामना पाकुर टीम के साथ हो रही है फिलहाल दोनों टीमों का स्कोर लाइन फर्स्ट हाफ के मैच तक 0-0 में रहा था और ऐसे समय में सेकेंड हाफ का ये मैच स्टार्टिंग हो चला है थ्रोइंग के रूप में बॉल पोजीशन पाकुर टीम के खेमे में 9 नंबर को आप देख रहे हैं वहां पर दो डिफेंस को बीट किया गया और आखिरी क्षण में उन्हीं के कब्जे में गेंद अच्छी पुशअप पास स्ट्राइकर फॉरवर्ड के लिए गेंद मौका बन भी सकता है 12 नंबर का ये बेहतरीन क्रॉस अभी वहां पर क्या गया और हम यहां पर हैंडफुल की मांग कर रहे थे खिलाड़ी लेकिन इसी प्रकार का वहां पर कोई फॉल नहीं किया गया था और ऐसे समय में डिफेंस लाइन के द्वारा बेहतरीन बचाव गातीगुड़ी टीम की ओर से
हाफ लाइन में पाकू टीम की ओर से 9 नंबर में अच्छा खेल दिखा रहे हैं। फिलहाल बॉल पोजीशन को उससे छीन लिया गया है। फिलहाल पाकू टीम के में गेंद, अच्छी पास लेकिन इस बीच गेंद एसएमबी टीम के लिए, लेकिन गेंद छिटकती हुई टच लाइन के लिए। थ्रोइंग के रूप में बॉल पोजीशन पाकू टीम की ओर से, छोटी थ्रोइंग पास, लॉन्ग रेंज का पास निकाला, हैंड पॉल की मांग किया गया है और ये हैंड पॉल की विसिल, और एक नजदीकी अवसर फ्रीकिक के लिए मौका बनेगा पाकू टीम के लिए। नेक्स्ट मुकाबला बालिका ओवर की ओर से झाक झमक जोर रहा दुमका बनाम एफसी मुरमोस्तार के बीच छोड़ा है। अदनीय बाद उका दूसरा मुकाबला हुई आलाबेन बिलमा खेला जी नवा पहला मैच अडी बिलम ते ए तो हुई करा होना ते दूसरा मुकाबला दुमका बनाम मुरमू इजा तला रही हुआ अदो सपड़ा रोटी करते नवा डग आउट एवं सेटर हुआ आलाबेन बिलमा नासिना हो नित कौन की नवा मंच रेबन रिपोर्ट का दुमका बनाम मुरमू स्टार खुड़ी पाटारिया दूसरा मुकाबला लगा। सेकेंड हाफ या नवा शुरुआती छंडे पहला कौन की कुम का पाकू टीम बढ़िया गाड़ी तहक ना मन खान गाड़ी में बॉल टकराव ना और टकराव को बॉल दो टच लाइन को बाहर चलाओ ना थ्रो इंडिया चांस कुम पाकू टीम पाकू टीम थ्रो इंडिया चांस कुम डेंजर एरिया कौन बना टीम कौन की गोल बांग है कराई तभी हालांकि ये तो नवाज सेकंड हाफ रिया मैच चला था ना हैंडफॉल या विशिल सड़ी ना गंगा सर माध्यम थे नवा पहला मैच एंड मैच रेफरी गंगा मुर्मू फिलहाल नहीं धाम अकवा हाफ कौन के फ्रिकी कुन्यामा एसएमबी टीम एसएमबी टीम उका दो चलाव विचार को गातिल ना अड्डी की समदार तहगंत को हालांकि विगत ओवर से चैंपियन टीम को बिनाल ना हार उनका तो भांग उन तो फ्री किक के ना फ्री किक दो आम दो शॉट में उनगन कथा भांग के ना हम पे बॉल बिना हम दो बॉल साथ में ला उन तो भांग फ्री किक मतलब आम दो शॉट हो गया तुम्हारे कॉल आम दो फॉल बॉल न्याम का हेलो इन बुझे दाई ना जानकारी बनो तो बुना मेनखान बुझे हो दिया बुम तीन अगर आप फुटबॉल रहे पार्टिसिपेंट पे हताओ का नवारे हिस्सेदारे पे हताओ का हड़ी मरान कथा करना मेनखान बांग बढ़ाए रहो फिर भी एन हो नवारे आप या इंटरेस्ट आप या रुचि नवा गड़ी बड़ी बात करना बुंदा नोंडे तो रहेगी इटा इटा रंग के इटा राज्य रंग थ्रो इंडिया चांस कुन्याम का जी नहीं फ्रिकी क्रिया मौका को नाम का टच लाइन अगल बगल कौन पाकू टीम अच्छी पास मनखान कोई खड़े होने बकुत है ना और ऐसे समय में डिफेंस लाइन द्वारा बेहतरीन बचाव फिलहाल फ्रिकी पाकू टीम कौन मेनखान बॉल आखिरी टच एसएमबी टीम रे डिफेंस लाइन द्वारा हुई ना उन्हें कॉर्नर की कुंजामा पाकू टीम तो ये अच्छा प्रयास कम से कम इस ग्रामीण के क्षेत्र में बालिका वर्ग का भाई एक बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी फुटबॉल के मैच में ये अपने आप के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं और वहां पर डायरेक्ट पेनाल्टी शॉट का एक विसिल बजी है क्योंकि
पेनाल्टी बॉक्स के अंदर एक फॉल कर बैठे थे। एशएमबी टीम पेनाल्टी बॉक्स के अंदर एक फॉल कर बैठे। एशएमबी टीम ने तीनों खिलाड़ी बना बना थोड़ा बाहर ही अबुन उना पेनाल्टी बॉक्स ओका बनाओ कन उना को उन बाहर उना को दागलान बना उना को उन बाहर अदो नोडे दो उनको खिलाफ रे मीटेन पेनाल्टी को नाम दा पाकू टीम छह नंबर रे बाहा हेमरम नवा पेनाल्टी शॉट रिया मौका पाकू टीम को नाम का हर बाहा हेमरम आ शॉट थोड़ा गन क्रॉस बार को थोड़ा गन चितान दे चलावना गोल कीपर तिंगु थिरगी तहना मीटे सेट पीस को नाम लगा बढ़त बना लगी पाकू टीम पेनाल्टी बॉक्स अंदर रे उका दो बेटन फॉल हुई लेना एशएमबी टीम द्वारा और उन्हें थे पाकू टीम डायरेक्ट पेनाल्टी शॉट को नाम बता और उन्हें बढ़त को बिना दौड़े क्या मैन खान क्रॉस बार को थोड़ा कन चेतन बॉल तो चलाना और नीत हो बना टीम से कोई स्कोर लैंड 0-0 की बिना अतड़ा और एशएमबी टीम रे मीटिंग लैंड में उड़ूक करा इन बुजुर्ग लगाना जने हालांकि इन्हें क्षमता अनुकूल से बढ़ा मनखान कुरुमुटू बैन आलसे को आश्री वचन में आलसे को आशीर्वाद बना अबना कुरुमुटू जमन नुका के तहन हजू का दिन लगा हो अगर तीन नवा फुटबॉल अगर आप समय पे यहाँ इनका तो समय अल पे नष्ट हो या जमन हजू का दिन दे आप कुरुमुटू मीटे बड़ी ऊंचाई धबी सेटर हो अच्छी पास मौका चे बनावा पाकू टीम को नो नंबर है पिया क्या खिलाड़ी ऐसे का को और अभी मोज बोले पास दुख द बहा लगी मन खान बाय प्राला नी धाव अपन चल रहे हाफ लाइन खिलाड़ी उना बल को दुख किया थोड़ा गन पैनम कौन खिला रहा कोशिश सुनाए थे कॉल हुई ना यूट्यूब में जाता है ना और को हाफ पर के पिक किंग का एसएमबी टीम एसपी फुटबॉल बोल ये बाद उका नेक्स्ट मुकाबला है अलबन बिलमा झाक झमर ढोड़ बहा दुमका और एफसी मुर्मू स्टार्ट अलबन लेट से का नवाडा गार्ड पेन सेटर हुआ नुकीला खेलो अभी मुझे तो रुकी अपन तो नवाडा सेटर को अलग लेट सेटर फर्स्ट राउंड या आपका तीसरा मुकाबला हुआ चंद्रपुरा काठीकुंड बनाम नो टेंशन बिंदास टीम कुड़ी गिद्रा हुआ तीसरा मुकाबला जबकि कुड़ी गिद्रा हुआ का चौथा मुकाबला हुआ एफसी अमड़ापड़ा बनाम सोरेन स्टार दुमका तो टोटल पिया मैच सारे एक ना और जैसे कि नवा कुड़ी गिद्रा पिया मैच मुझे दो आउना बाद दो कुड़ा पाटार या पहला सेमीफाइनल ए ग्रुप का बनियाला सोनू स्टार बनाम एफसी जरा की बना टीम के अड्डे मजबूत टीम करा की हालांकि सोनू स्टार टीम विगत वर्ष चैंपियन टीम करा को और उनको अब मुकाबला पहला सेमीफाइनल रे एफसी जरा की टीम सा हुई हुआ अदो कुड़ी गिद्रा जैसे कि पिया मैच मुझे दो आउना बाद कुड़ा पाटार या सेमीफाइनल या मैच दो प्रारंभ हुई हुआ लॉन्ग रेंज या पास पाकू टीम को है करा मेन खान कोई खड़ा उठे बकुत है करा और नुमकान समय रे एसएमबी टीम के बॉल चला अपना चार नंबर रे अडिग्री बॉल दो का निशास दा मेन खान जब तक बॉल सही रूप से कंट्रोल किया बॉल दो टच लाइन को बाहर चलाऊंगा तो मां आदो सनम गोगो जुना को से सनम बुहा मिश्रा को अगर बबुन है गन खाए मौसर खुरसर धक्का दामी जो बड़ा कते नवा रामपुर या स्टेडियम से बुन तराम लहाया चेदा जी तीन फाइनल महादिन कना जो भी फुटबॉल एने सारे कना जो को तो बुन नियल संगी का नियल सकी का ए सही ले कलेब ता आम झिको हालांकि जी तो कुड़ी गिद्र वा नवा पहला मैच ए तो भूई कना पहला मैच या सेकंड हाफ अन्य रोड संगे देखी गंगा सरा नवा लंबी विसिल और नवा लंबी विसिल संगे